नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विन निषाद और आप देख रहे हैं इंडिया दिवसो न्यूज। एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पैलानी मंडल क्षेत्र के सभी गांव में वृक्षरोपण अभियान के तहत यहां पे वृक्ष लगाए गए, उसकी खास जो है आज तस्वीरें हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि वृक्षरोपण करने से क्या लाभ होता है। वृक्षारोपण के बुनियादी लाभों से एक यह है कि वे जीवन देने वाली ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और जानवरों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। हालांकि पेड़ न सिर्फ हमें ऑक्सीजन देते हैं बल्कि फल, लकड़ी, फाइबर, रबड़ आदि और भी बहुत कुछ प्रदान करते हैं। पेड़ पशुओं और पक्षियों के लिए आश्रय का भी काम करते हैं। पेड़ों को लगाना जितना हमारे लिए आवश्यक है उतना ही उन्हें बचाए रखना भी आवश्यक है। पेड़ पानी, मिट्टी और हवा की गुणवत्ता को सुधारने और बनाए रखने और हवा से प्रदूषकों को हटाने में मदद करते हैं। पेड़ छाया भी प्रदान करते हैं और गर्म मौसम के दौरान तापमान कम करने में मदद करते हैं। पेड़ लोगों के जीवन को समृद्ध बनाते हैं और परिदृश्य को सुंदर बनाते हैं। घर की देखभाल करने के कई अच्छे कारण हैं और पेड़ों को बचाना उनमें से एक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूछते हैं और कहते हैं कि पेड़ लगाने से हमें क्या लाभ है। तो पेड़ लगाने से लाभ है, नंबर एक, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। नंबर दो, पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। नंबर तीन, वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोद इत्यादि प्राप्त होते हैं। पेड़ ग्रीन हाउस गैसों को कम करने और जलवायु परिवर्तन को रोकने में मदद करते हैं। पेड़ आपकी त्वचा और आँखों को नुकसान पहुँचाने वाली सूरज की हानिकारक यूवी किरणों के खतरे को कम करने में मदद करते हैं। पेड़ भोजन, ईंधन, फाइबर प्रदान करते हैं। पेड़ फर्नीचर और घर सहित अन्य वस्तुएं बनाने के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। घर में हर सिंघार का पौधा लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है और परिवार में खुशहाली रहती है। मान्यता के मुताबिक जिस घर में हर सिंगार का पौधा होता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। हर पेड़ हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे निभाते हैं? ये पेड़ बारिश होने और सूखा, बाढ़ रोकने में मदद करते हैं। पेड़ों के अभाव में आज बरसात कम होती जा रही है और वातावरण भी प्रदूषित होता जा रहा है। हमें धरती की हरिमता बनाए रखने तथा शुद्ध वातावरण के लिए पौधरोपण आवश्यक रूप से करना चाहिए। इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। पेड़ों से हमें क्या मिलता है? वृक्षों से हमें लकड़ी, घास, गोंद, रेजिन, रबड़, फाइबर, सिल्क, टैनिन, लेटेक्स, हड्डी, बांस, केन, कत्था, सुपारी, तेल, रंग, फल, फूल, बीज तथा औषधियाँ प्राप्त होती हैं। वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध करने का कार्य करते हैं और प्रदूषण को दूर करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को दूर करते हैं। और पेड़ हमें लकड़ी देते हैं जिसका उपयोग किताबें, खिड़कियों बनाने और जलाने के लिए भी किया जाता है। पेड़ हमें सेब, आम, केला, संतरा, कीवी आदि जैसे फल देते हैं। कई पेड़ों का उपयोग दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है जो हमें बीमारियों से दूर रखते हैं। जंगल, शेर, बाघ, हिरण, बंदर आदि हजारों जानवरों का घर है। हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए क्योंकि पेड़ हमें कई चीज़ें देते हैं जैसे फल, ईंधन, बहुमूल्य लकड़ी, औषधियाँ आदि। वे हमें गर्मियों में ठंडी छाया देते हैं। वे उस हवा को शुद्ध करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं। सबसे अच्छे पेड़ कौन से होते हैं? पेड़ नीम का भी अच्छा होता है, उसकी दातून बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं।
उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।